हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। सुक्खू ने अमित शाह को बताया कि हिमाचल में बरसात में आई प्राकृतिक आपदा से संबंधित आपदा उपरांत जरूरतों की आकलन रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी गई है। उन्होंने केंद्र से राज्य सरकार को पुनर्निर्माण प्रयासों में मदद के लिए धनराशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत लगभग 658 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि गृह मंत्रालय ने केवल 3.87 करोड़ रुपए की राशि के 14 कार्यों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने शेष राशि शीघ्र स्वीकृत करने का आग्रह कर कहा कि इन गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। देखिए, पीछे जब आपदा आई थी और आपदा के बाद पहले तो हम रिलीफ मांग रहे थे, रिलीफ तो मिला नहीं, लेकिन केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार से एक क्लेम बनता था उस सिलसिले में, जिसे हम PDNA बोलते हैं, वो डिजास्टर नीड्स असेसमेंट। उस बेस पर मैं उनसे मिला और तकरीबन हमने उनको बताया जो केंद्रीय सरकार के नियम है उसके तहत 9700 कुछ करोड़ का हमने अपना क्लेम भेजा है और उसको आप जल्दी से जल्दी स्वीकृति करने की मैंने एक बात की। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो सब्सिडाइज फ्लैट जो चलती है उस सिलसिले में भी मैंने उनसे बात की है और निश्चित तौर पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जहां भी राज्य के विकास की बात होगी उस विकास में हमारा कोई राजनीतिक वो नहीं होगा, हम आपकी मदद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात कर कैंसर, मधुमेह, CBD और स्ट्रोक रोकथाम एवं नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में राज्य कैंसर संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कैंसर मामलों की बढ़ती दर के दृष्टिगत यह संस्थान स्थापित करना आवश्यक है। सुक्खू ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य में लोगों को सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य बुनियादी अधोसंरचना के सुदृढ़ कर रही है। उन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में मातृ एवं शिशु अस्पताल विंग की क्षमता 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर करने का भी आग्रह किया।